आप लोगों की हरकतों के कारण आपसे बहुत गुस्सा हूं, और कितना गुस्सा हूं मैं ये आपको बता नहीं सकता। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको रहता है, जिन्हें आप हमें कमेंट में पूछते रहते हो। इतने सारे मेरे पास डेली के डेली मैसेज आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस करते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, आप लोगों को सॉल्यूशन देना मैं अपना पहला फर्ज और पहली जिम्मेदारी समझता हूं। लेकिन आप लोगों के हर एक मैसेज को, हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस होते हैं। इसलिए आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे नाराज भी होते हैं, बहुत सारा गुस्सा भी आप लोगों के पास हमारे लिए है। बिल्कुल जायज है आपका नाराज होना, आपका गुस्सा करना बहुत जायज है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके उस नाराजगी का, आपके उस गुस्से का। एक कमेंट को रिप्लाई करूं तो एक का ही रिप्लाई होगा, एक को ही आंसर मिलेगा, लेकिन मैं उसी टाइप के और भी कमेंट्स को पिक करके उस पर सेपरेट वीडियो बना देता हूं, और एक वीडियो को बनाने में लगभग लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है, 1 से 2 घंटे का टाइम। लेकिन आपने वही कमेंट वीडियो में करा है, वही सेम कमेंट इंस्टाग्राम पे करा, वही सेम कमेंट आपने व्हाट्सएप पे भी पूछा है, और वही सेम कमेंट आपने इतने सारे वीडियोज में पूछ लिया है। जब मैंने आपके लिए 2 घंटे खर्च किए वीडियो बनाया है आपके डाउट क्लियर करने के लिए, तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा, बल्कि वीडियो में फिर से सेम कमेंट आपने कर दिया, और उस कमेंट को अगेन एंड अगेन बार बार सेम कमेंट कर रहे हो, जबकि ऑलरेडी मैंने आपका रिप्लाई कर दिया है वीडियो में। उस 2-4-5 मिनट की वीडियो के लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, जिस वीडियो को बनाने में मैंने आपके लिए 2 से 2.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा लगाया है, और आप 5-7 मिनट की वीडियो देखना अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, और आपको लगता है कि मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूं, जबकि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो मेरे पास आपके इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना कितना पॉसिबल हो सकता है, ये आप समझिए। आपको डाउट ना रहे इसीलिए मैं हर संडे को मैं Q&A वीडियो, आपके जो कमेंट्स होते हैं उन्हीं का वीडियो बना लेता हूँ, इवनिंग में लाइव आता हूँ, ताकि आपको डाउट ना रहे, आपको सॉल्यूशन मिलता रहे, आपको सही गाइडेंस मिलता रहे, आप कंफ्यूज ना रहें कहीं भी। लेकिन आप अपने लिए 2-4 मिनट नहीं निकाल पा रहे, या मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी वीडियोज आपसे रिलेटेड आती है, जो भी टाइटल आप देख लिया करें, वो अगर आपसे रिलेटेड है तो उसमें कमेंट करने से पहले उस वीडियो को पूरी देख लो, तो आपका डाउट वहीं पर क्लियर हो जाएगा। मैं देख पाता हूँ कि बहुत सारे बच्चे लेट लेट तक सेम कमेंट कर रहे होते हैं, और मुझे आप पर गुस्सा भी आता है, आप पर तरस भी आता है, आप पर दया भी आती है, और हैरानी भी होती है कि वही चीज़ आप सेम रिपीट कर पा रहे हो। इतना टाइम है आपके पास कमेंट करने के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं कि आप वीडियो देख पाए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ऑलरेडी अगर आप हमसे अभी भी जुड़े हैं कुछ टाइम पहले, तो आप हमारी 5-7-10 वीडियो पीछे वाली देखें, टाइटल देखें, आप वीडियो प्ले मत करो, टाइटल देखो, आपसे रिलेटेड डाउट किस वाली वीडियो में क्लियर किया है, आपको जैसा लगता है आप उस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, पसंद आता तो लाइक शेयर करना आपका काम है, करो ना करो, लेकिन एटलीस्ट आप अपने लिए वीडियो तो देख लिया करें। बस यही आपको शेयर करना था। कमेंट करने से पहले, व्हाट्सअप करने से पहले, इंस्टाग्राम करने से पहले आप अपने लिए 2-4 मिनट की उस वीडियो को देख लिए। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपके लिए ही लिया है मैंने, व्हाट्सएप नंबर इंस्टाग्राम आपके लिए ही बनाया है मैंने, आप उस सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। बट जब रेयर केस हो तभी आप कमेंट करें, जब रेयर केस हो तभी आप मुझे व्हाट्सएप पे करें, और कॉलिंग बिल्कुल ना करें यार, आपके इतने सारे कॉलिंग आ जाती है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं स्कूल में होता हूँ, वहाँ पर आप कमेंट्स कॉल कर देते हैं, सिर्फ कमेंट करने के लिए कहा है, मैसेज करने के लिए कहा है, और मैसेज करने के बाद यार 5-10 मिनट में आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, वो आपके मैसेज होते हैं मैं पढ़ता हूँ टाइम निकालने के बाद, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, बाकी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाल लें। यही आपको शेयर करना था। गुस्सा बहुत आता है जब आपको ऑलरेडी मैंने कमेंट में रिप्लाई कर दिया, वीडियो बना करके सेम चीज़ आप दोबारा से पूछ रहे हो। बस शेयरिंग कर दो इस वीडियो को, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। जय हिंद।